बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आज हम लोग आए हुए थे समड़ियाल। तो यहाँ पे उस्ताद मोइनवाज़ घुम्मन साहब जो हैं, वो अपने इनके भाइयों की तरह भाई हैं, शागिर्द भी हैं। उस्ताद चौधरी रहबर अज़ीम घुम्मन साहब, आप सब लोग जानते ही हैं माशाल्लाह से जी। सीज़न में जेठ में ख़राब मौसमों के बावजूद इस छत पे बड़ी अच्छी कारकर्दगी देखने को मिली है, और माशाल्लाह से 8 बजे के बाद भी इनके कबूतर बैठे हैं, सेंचुरियाँ भी काफ़ी बनी हैं। और पंजाब समेत जो यहाँ के लोकल टूर्नामेंट थे उनमें इनकी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और पोजीशनें भी आई हैं। तो क्या क्या पोजीशनें आई हैं वो भी इन्हीं से इंशाल्लाह पूछते हैं। बाकी चौधरी मोइनवाज़ घुम्मन साहब आए थे इनको खसूसी तौर पर इनकी कारकर्दगी पर मुबारकबाद देने के लिए, तो उनसे सुनते हैं, वो उनको मुबारकबाद भी पेश करेंगे और बाकी कुछ गपशप भी लगाते हैं इंशाल्लाह चौधरी रहबर अज़ीम घुम्मन साहब से। तो अभी मैं कैमरा करूँगा इनकी तरफ और इनकी बातें सुनते हैं जी। तो सबसे पहले जी उस्ताद मोइनवाज़ साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम नाज़रीन को देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। चौधरी रहबर साहब उनके छत पे आए हुए, हमारा कबूतरबाजी के हवाले से जो बचपन है हमारा ना, जो थोड़ा बचपन है वो हमारा इधर ही गुजरा हुआ है। ये जगह जो है ना, जिस हम बैठे हुए हैं इधर सैकड़ों की तादाद में कबूतर होते थे, तो सारा दिन हम इधर कबूतरों में गिरते गिरते घूमते रहते थे। मतलब तो कि बहुत जगह जो है ना, ये पुराना शौक इधर से चल रहा है माशाल्लाह तकरीबन 50 साल लगा रहे, 40-50 साल। चौधरी रहबर साहब के वालद साहब भी बड़े शौकीन थे, उन्होंने की हाथ पर नहीं थे, मगर वो ये उड़ाते थे कभी कभी, तो वो काफ़ी मजबूत होते थे, देखते थे वो, मुझसे भी उनका बहुत प्यार था माशा। कभी उन्होंने मिलना बच्चों की तरह उन्होंने प्यार करना, बहुत अजीब इंसान थे उनका वाला साहब। आगे माशाल्लाह रहबर साहब है, अब हमारी भी ये जो वगैरह हुई, अभी हमारा आगे मुस्तकबिल है चौधरी हसन साहब, वो भी हमारे बच्चों की तरह है। चौधरी बलाल और उमैर की तरह वो भी हमारे बच्चों की तरह है माशाल्लाह। हर रोज़ उससे गपशप होती रहती है, बहुत जुनूनी शौकीन है माशाल्लाह से, और मुस्तकबिल में काफ़ी उम्मीदें हैं उसके, ये कि वो हमारे बाद भी इंशाल्लाह इस शौक को ज़िंदा रखेगा। बहुत माशाल्लाह शौकीन है, और मैं ख़ास तौर पर हसन साहब को जो जितनी जल्दी उन्होंने पिछले साल ये छत बनाई, बनाते साल उन्होंने बच्चों का मुकाबला किया, बच्चों का कप उड़ाए और काफ़ी इनाम और भी जीते, शुक्र गुजार भी थी। और इस साल उन्होंने अगले साल ही जेठ में अभी कप छत्ते उठा तो उड़ाई अपने, और माशाल्लाह इतने अच्छे कबूतर पर, और मौसम के ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ा लेट डाउन हो गए थे, मगर बहुत अच्छी परफॉर्म आ रही है, पहले नंबरों में रहना था, तो बहुत ही अच्छे कबूतर उड़े। 8:20 पे भी इनका हाइएस्ट प्रवाज है, और सुपर प्रवाज भी पंजाब में जीती है। तो अमरीका का पे होता है 11 दिन का, उसमें भी इन्होंने चौथी पोजिशन हासिल की है। तो हमारे इलाके में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई मौसम की वजह से, वो मंडी में और दिन वगैरह वो बच गए थे बीच में से, इस वजह से थोड़ा वो आगे नंबरों में 2-3 बन गए। वो भी बेचारे जी, एक दिन मंडी बावली में बड़ा खराब हो, वो उनको एक दिन खराब पीछे चले गए, तो तीन फिर से डिस्टर्ब हुई है हमारी, तो तीन फिर से मुकम्मल डिस्टर्ब हो गई। तो चलो बहरहाल वो तो फिर गेम का हिस्सा है, उसमें जो होती रहती है तो नसीब की होती है बात। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो चौधरी साहब आपको, चौधरी हसन को खास खसूसी तौर पर हमारा जो बाहर बैठ के जिन्होंने 24 घंटे वो उसने टेलीफोन पर कबूतरबाजी की, और ये आमर मुगल साहब हैं ये हमारे इधर छत पे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत माशाल्लाह करता है ये कबूतरों को बजाना उड़ाना, और उनको अपने अखबार माशाल्लाह इसके सारा कुछ करता है, बहुत इन्होंने मेहनत की है। पूरी टीम है, चौधरी साहब खुद भी इधर मौजूद होते हैं छत पर, और भी कुछ 2-3 लड़के उन्होंने रखे हुए हैं, तो सारी टीम की ये कारकर्दगी है, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला आइंदा भी इनको इसी तरह कामयाबियाँ दे, और आइंदा आने वाले वक्तों में आप बहुत अच्छे रिजल्ट में, 2 साल पहले भी इधर कह के गया था कि इधर से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप के सामने माशाल्लाह कैसे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं।
माशाल्लाह जी ज़बरदस्त जी। चौधरी रहबर अजीम घुमन साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है जी आपका। हाँ जी माशाल्लाह जी, बहुत अल्लाह का फजल जी करम है, बहुत शानदार जरा रिजल्ट साढ़ा रहा अच्छी पहली दफा सी हल्ला, तो पहला साल से जरा डर डुर भी आता सी लेकिन इन्हें गला किया बड़ा सोहना झाका लै गया साढ़ा माशाल्लाह। लेकिन कबूतर बड़े अच्छे ने, चौधरी साहब ने साड़ी बड़ी सपोर्ट की है, और दोस्तों ने अमर भी माशाल्लाह बड़ी मेहनत करता थी, और भी मेरे दो तीन छोटे लड़के रखे हैं दोस्त एक दो, वो भी नाल इतने सू अच्छे किसी अगे पिछे गए जे, तो हसन साहब भी साढ़ा बेटा मेरा, उन्होंने भी शौक वो भी सानू फिर हाँ जी वो भी रहनमई साड़ी बड़ी माशाल्लाह करता रहा। बिल्कुल पहला साल सी तो जरा थोड़ा जहा नर्वस जो होए सा, लेकिन ये भी कि उडारा में भी माशाल्लाह कबूतर जड़े ने बड़े अच्छे उड़ते हैं, जो ज़्यादा टैंपरेचर सी 43-44 तक बेच रहा तो माशाल्लाह बहुत अच्छे साढ़े उडारा च भी तकरीबन 4-5 बजे तक ना बेंदे सन, तो फिर बाद मौसम जरा पोला हो गया वो फिर असा ना 10 कबूतर बेच जड़े ना वो गर्मी वाले नहीं पाए, ये दरम्यान कबूतर में पाए सन बेच जड़े कोई 12-12:30 चोरी साहब बेंदे सन ना, ये 7 कबूतर वो पाए सन बेच जड़े बहुत उड़ते हैं वह वक्रे कर दिते सन, लेकिन वो भी जड़े पाए ने उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी उडारा उन्होंने दी। बिल्कुल वो जो चंगे भैड़े का उन्होंने भी कमी जी महसूस नहीं हो दी, एक कबूतर ही साढ़े को ठंड में जो 12 बजे बह जाता सी, आखिरी दो दिन गर्मी पई है तो एंड से बैठा माशाल्लाह। इस तरह पहली बार मैं वेख्या। हाँ जी राजा साहब बिल्कुल जी, और चार उडारा जो बदल शेदल मौसम खराब से 12 बजे बह जाता है, तो जिसे 2 दिन एंड के उत्ते आखिरी दिन भी 5 मिनट घट 5 बजे बैठा माशाल्लाह। नहीं जो साहब कोई चुकया चुकया नहीं जी, वो कुदरती ना कि बहुत ही बुलंदी से जाके उड़ता है, तो जो 4 दिन मौसम खराब रहा है ना वो कि हवा जी धक्के तुके खा के आ जाता है थले थले पिता बह गया, बाकी जिन्हें शकीन है ने जिन्हें भी टूर्नामेंट हिस्सा लिया सारे जी सा सलाम, सारे जो जुते ने उन्होंने मुबारकबाद माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जिन्हें भी जुते ने टूर्नामेंट सारे भाई ने साढ़े अहाँ तो एक शौक रखे है, सिर्फ कोई किसी नाल नहीं मतलब ना का मसला, हाँ जी सारे शकीन ने सारे साढ़े वालों माशाल्लाह जेड़े जेड़े जुते ने सब मुबारक, अमेरिकन कप जितया भाई फरूक साढ़ा दोस्त ने मियाँ फरूक साहब उन्होंने बड़ी बड़ी मुबारक, और जड़े मतलब दूसरे तीसरे चौथे नंबर से परवेज वो भी साढ़ा भाई है 5वें नंबर से आया वो भी साढ़ा दोस्त है, और भी जो टूर्नामेंट कई मैं नाव दे नहीं जाना पता। चलो लग जाएगा 132 घंटे हो गई एक दिन पौने 8, 7 बजे 6 बजे 5 बजे 4 बजे 3 तो पहला 10 नंबर शर्मीली कबूतरी है जी, चौधरी साहब बिल्कुल वेखा जी जिसम वेखो ए कैसा है, लेकिन यकीन करो उदन जिन 8 बज के 20 मिनटा बैठी है जी, चौधरी साहब के घर शर्मीले कबूतर ने मेरे को पठी है 10 नंबर असा इन्होंने ना रखे है, तो ये कह दूसरी मादी है लगी भी नहीं 8 बज के 1 मिनट पहला बैठी थी, फिर वो बैठी सारी नेरे दी लगी नहीं सी, अमन आंदा सी भाजी वो नेरे दी नहीं लगी थी, एक लगी है ते ए उत्तू जोरी साहब ने गूगल चौका मार दी आई थी जिस तरह लगी है 100% माशाल्लाह। एदी मां बटेरी है ते प्यो जड़ा ना रामपुरी है साढ़े घर दे,
लेकिन कलर वेख लो किस तरह का बन गया तो इन्नी माशाला नीयत आई है दोवे जड़ियाँ सन बिल्कुल असं इन्हों बिल्कुल इंजे डाल देते हैं जिस तरह सिर्फ खुराक अमल पाँगा तो डाल देते ठीक है दो ठीक हो गया जी जबरदस्त जी यकीन करो मैं जिंदगी कबूतर उड़ जाने वेखिया मतलब लंघ गई हाँ जी कबूतर उड़ते पता लगे बड़ी आसानी उड़ जाते बहुत ही प्यारा जश्न हो रहा माशा लिया जी अमर साहब तो जी और आए हैं जी कबूतर आपको दिखाते हैं थोड़ा लाइट हाँ जी अमर साहब दसो कि कबूतर बाज जो मार देने फैंकियाँ तो मैं फैंकी कदी नहीं मारी जी दसो जी अमर साहब ने जी अम्मा आने माँ जी जी चोरी साहब ने एक बार ना हसन बेटे मेरे ना घरों दो बच्चे दिते हैं लाखे नासी आ लाल मोती एक तो मेरे को मर गया ही तो पट्ठी आया सी पट्ठी के नाल ना बुढ़ी हुई माधी वो मैं टैडी कबूतर लाया मेरे को लै नहीं दिता वे वो बच्चा निकलिया लेकिन इन्हें भी माशाला हर उडार जी है ना बहुत ही आला मतलब बहुत चोरी साहब आला तरीन उडार पहले दिन पाए ने चोरी साहब डब वाला कबूतर से मेरे को कबूतरी टैडी शाह लाई थी निकलिया चोरी साहब बच्चा पहले थोड़ा उड़िया थी लेकिन अमन ने पुट के सर किया तो फिर जिन्नी गर्मी पई चोरी साहब उदों ही लेट हवा का जरा माठा थी लेकिन गर्मी च बस जिन्नी भी शदीद गर्मी पई है ना आखिरी कबूतर ना धौमा चीना पाए ना पूरी ग्यारह दिन ग्यारह अंडारा हो चौधरी साहब मैं गिफ्ट दिता ही अरशद ने अरशद नहीं पुराना जो सा दोस्त अरशद जुतियां वाली दुकान वाला हाँ जी उन्हें चौधरी साहब जो मैं नवी छत बनाई थी ना वो दो बच्चे दे गया मैं गिफ्ट एक तो खैर नहीं उठता इन्ना ये नाल दे लेकिन ये बच्चों के बच्चे भी पहली टूरनामेंट जो साहस ही उड़ी है ना ये चेतर की वो जिन्ना नेरे का दिमाग बड़ा चोरी साहब है जिन जिन्हें लैट बाल दें तो भी ना सुना लैट हूँ वेखता सी एक कबूतर लैट वेखता है पिछले टाइम उत्ते भी लैट ही ला देनी इन्हें ना सुना हाँ जी तो यह चोरी साहब दो दो बारी पौने अठ बैठा जे हूँ तो सत्त बजे छे बजे इन्हें चौं के नाल ही आखिरी कबूतर जो उठा ही बैठा जिन्ना मर्जी चोरी साहब नेरा हो जाना ना मतलब अद्धी रात भी हो गई है ना कोई टेंशन नहीं जो कह समाधि की
माशाल्लाह जी। लो जी दोस्तों, आपको दिखाए हैं जी चौधरी साहब के कुछ कबूतर भी दिखाए हैं आपको, शौक करवाया जो उड़े थे अभी। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा। और यहाँ से जी फिलहाल इतना ही। चलो मैं दिखा दूँ, मैं ज़रा छत दिखा दूँ आपको फरमाइश पे जी, आपको छत भी दिखा देते हैं। ये जी ये तो खैर चौधरी मुबशर साहब की छत है, और इसके साथ ही बिल्कुल चौधरी रैपर साहब की। ले जी चौधरी रैबर अजीम घुमन साहब, हसन साहब, उनकी ये छत है। ये इनके पहलू में दाई तरफ ये चौधरी मुबशर साहब की है, ये इनके कजन है। माशाल्लाह जी चौधरी साहब, कबूतर दसवीं पीठ से यहाँ कटिया पाया एक दो बजे ना, उतर फिरदा फिरदा गायब हो गया। त्रै दिन बाद तीन दिन बाद फिर आ गया, जो गर्मी के बहुत लेट पैंदा सी, बहुत लेट पैंदा, लेट पैंदा सी बहुत। इलाके कबूतर ने जो बनवाला लाखा माशाल्लाह सारे जेड़े दिन ना दिखाओ जी तुसी आप। हाँ जी, यह कबूतर अभी माशाल्लाह साढ़े गेट बच्चे गए ही बड़े थोड़े ने, बहुत घट है। यह मैं 100 कबूतर जोड़ा ना सा पहला उंडारा दे के रोक गया, ठीक हो गया। यह जो फड़े है जी कुछ ये साढ़े स्पैशल कबूतर ने लाके दो तीन उड़ते हैं, लेकिन आबादियाँ च नहीं पाए, बहुत गर्मी च उड़ते हैं, लेट लेट। हाँ मर, कैसा रहा सीजन? ये नौजवान जी इतने छापे मेहनत कर रहे हैं।
लो जी दोस्तों, ये हैं जी चौधरी रहबर अजीम घुम्मन साहब के। वो मौसम नरम होने की वजह से नहीं उड़ सके। जमा जी दोस्तों, ये मादी है, पहले आपको नर दिखा रहे थे। चौधरी साहब, यह मादी दो मादियां टूर्नामेंटा जी पाइया, क्योंकि 40-45 टैंपरेचर से 43-44 जो पाँच चार पाँच चार तो पहला नहीं हल्दी। एक कैम आदि साढ़े को रोजाना पाँच तो बाद पी नागे से भी अंदर तीन दिन छे बजे तो बाद नहीं पाइए बाल पर सुट गई। बड़ी ही गर्मी की उड़ती थी। ये जी दोस्तों, मादियाँ भी आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह जी, काफ़ी स्टॉक है जी। चौधरी रहबर साहब बता रहे हैं जी, ये वो 40 मादियाँ हैं जो इन्होंने गर्मी के लिए तैयार की थी।
लेकिन मौसम जब नरम हो गया तो फिर नहीं उड़ाएंगे। चौधरी साहब एक मिनट उड़ा आए मुझे ठीक है। वाह अभी तो चार नंबर अभी चाहिए रोक ले जी बहुत लंबी माशाल्लाह डाला दे ये जी उस्मान भाई ये चौधरी रहबर अजीम गुम्मन साहब की छत पे हैं हम लोग संबड़ेहाल में वीडियो जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने फॉर्म करवा दिया था इनका पहले। तो ये जी आपको दिखा दिया छत भी दिखा दी है कबूतर भी दिखा दिए माशाल्लाह बड़ा बहुत बड़ा स्टॉक है जी अल्लाह ताला इनको कामयाब करे आइए भी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਛੇ ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੱਲੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਆਪਕਾ ਟਾਈਮ ਦੇਨੇ ਕਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।